आज ही के दिन 1942 में मातोंगिनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने 29 सितंबर 1942 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तोमलुक थाने के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ओ आमार देशेर माटी तुमार परे ठेकाई माथा तोमाते विश्वमयी तोमाते विश्वमायेर आचल पाता। ओ आमार उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहा जाता था, बंगला में जिसका अर्थ बूढ़ी महिला गांधी है। मातोंगिनी हाजरा का जन्म 1869 में तोमलुक के पास होगला के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी शादी बहुत कम आयु में ही हो गई थी और केवल 18 साल की उम्र में ही वे विधवा भी हो गईं। मातोंगिनी हाजरा गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 6 महीने तक बहरामपुर जेल में रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 73 वर्ष की उम्र में मातोंगिनी हाजरा ने तोमलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के उद्देश्य से 6000 समर्थकों के जुलूस का नेतृत्व किया। ये ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने और एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम था। जब जुलूस शहर के बाहरी इलाकों में पहुंचा, तो पुलिस ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और मातोंगिनी जैसे ही आगे बढ़ी उन्हें गोली मार दी गई। 73 वर्षीय मातोंगिनी हाजरा पर 3 गोलियां चलाई गईं। हर गोली के साथ वंदे मातरम के नारे की उनकी आवाज तेज होती गई और हाथ में पकड़ा तिरंगा भी ऊंचा होता गया। तिरंगे को ऊंचा लहराते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। समानांतर तोमलुक सरकार ने देश के लिए मातोंगिनी हाजरा की शहादत की प्रशंसा करके खुले तौर पर विद्रोह को उकसाया और गांधी जी के अनुरोध पर 1944 में खत्म होने तक विद्रोह को 2 और वर्षों तक जारी रखा। 1977 में स्वतंत्रता के बाद मातोंगिनी हाजरा की प्रतिमा कोलकाता में लगाई गई थी। स्वतंत्र भारत में कोलकाता में स्थापित किसी महिला की ये पहली प्रतिमा थी। उनकी प्रतिमा अब भी तोमलुक में उसी स्थान पर स्थापित है जहां उनकी हत्या की गई थी। इसी दिन एक घटना और हुई जिसने भारतीय प्रवासियों की परिस्थितियों को आकार दिया। जापानी जहाज कामागाटा मारू 165 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा से कलकत्ता पहुंचा। इनमें से ज्यादातर पंजाब प्रांत के थे। कनाडा ने जहाज को बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी थी। 27 सितंबर को कलकत्ता पहुंचने पर ब्रिटिश बंदूकधारियों ने बंदरगाह में जहाज को प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के साथ कानून तोड़ने वालों और राजनीतिक आंदोलनकारियों की तरह व्यवहार किया गया था। नेताओं को पकड़ने के लिए पुलिस के जहाज में प्रवेश करते ही विरोध शुरू हो गया। 19 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाकी को कैद कर लिया गया। भारतीय समूहों ने कामागाटा मारू की घटना को कनाडा के आव्रजन कानूनों में विसंगतियों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी ने समर्थन जुटाने के लिए उत्तेजना और जुनून पैदा किया था। 1914 में कैलिफोर्निया में और भारतीय प्रवासियों की कई बैठकों में बरकतुल्ला, तारकनाथ दास और सोहन सिंह सहित गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने इस घटना का इस्तेमाल गदर आंदोलन के लिए लोगों को जुटाने के वास्ते किया।